A very good morning to everyone. I am Anuj Tobar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the chapter verb, and in today's class we will see two subtopics, that is main verb, principal verb. इनको दोनों को एक ही नाम से जानते हैं. और हमारा नेक्स्ट है auxiliary verb. Auxiliary verb में आज हम लोग देखेंगे primary auxiliary, ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक हमारा लिख लेते हैं. वर्ब हमारा टॉपिक है और वर्ब में दो चीजों को हम लोग देखेंगे आज, ठीक है. अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल और मेन वर्ब, एक तो ये टॉपिक हमारा रहेगा, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब. तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल और मेन वर्ब की विशेषता क्या होती है? सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल या मेन वर्ब जो है वो केवल एक वर्ब सेंटेंस में आती है, ठीक है. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं वन वर्ब कम्स इन अ सेंटेंस. वन वर्ब कम्स इन अ सेंटेंस मतलब वन वर्ब सेंटेंस में आती है, ठीक है. इसको इस तरह से आप समझिए. इसके कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए. इसमें देखिए प्रिंसिपल वर्ब में क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस हम देते हैं जिसमें एक ही वर्ब है वही सारा काम करती है. जैसे यू रोट अ लेटर, मान लो ये अगर आपका आ गया. फिर दे वेंट टू आगरा, ठीक है. फिर देखिए नेक्स्ट है शी हैज अ डॉल. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वी हैव पेंस, ठीक है. तो ये हमारे देखिए चार एग्जांपल्स हो गए, ठीक. अब चार एग्जांपल जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आप देखिए कि मेन वर्ब हमारा है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे. जैसे यहाँ पे देखिए रोट दिया हुआ है, वेंट है, हैज है, हैव है. इसके बाद देखिए कहीं भी कोई और वर्ब नहीं आएगी. तो यही हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल वर्ब. बस ये समझिए, ठीक है. ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब हो गई. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में देखेंगे. आइए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा दूसरा सब टॉपिक था ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. तो ऑक्सिलरी वर्ब में एल आई हो गए यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब. अब ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है. पहली तो हमारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है. ये हमारी दो वर्ब्स होती हैं अलग अलग.
आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है और इसके क्या पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस तरह इसका क्लासिफिकेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हम इसको क्लासिफाई जब करेंगे तो तीन पार्ट में करेंगे, बी और डू और हैव। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं बी डू हैव। ठीक है, बी डू हैव, ये हमारा बी है, ये हमारा डू है, ये हमारा हैव। ठीक है, तो बी डू हैव में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए, जो बी हमारा है यहां पे, ये वाला पार्ट, इसको और इसको और इनको तीनों को फिर से हम क्लासिफाई यहां पे करेंगे। तो अगर बी को हम करते हैं, जब बी को हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारा होता है इज आर एम। ठीक है, इज आर एम, और यही पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज वर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद डू को जब हम करते हैं तो इसका हो जाता है डज डू, और यही पास्ट में हमारा हो जाता है डिड। इसको जब हैव को क्लासिफाई करते हैं तो इसका हो जाता है हैज हैव, और यही पास्ट में हमारा हो जाता है हैड, ये हमारा हो जाता है हैड। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे इसका क्लासिफिकेशन हमने किया, यानी कि बी जो है, बी को क्लासिफाई जब हम करेंगे, वर्गीकृत करेंगे इसको, तो इज आर एम हो जाएगा, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, वॉज वर हो जाएगा इसी का पास्ट, इधर हमारा हो जाएगा डज डू, इसका हो जाएगा पास्ट डिड, हैज हैव, इसका हो जाएगा हैड। तो यहां पे ये इस तरह से अगर हम क्लासिफाई इसको करते हैं तभी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी ऑक्सिलरी के। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमारा है, आज हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बी। बी जो हमारा है इसमें पांच एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और पांच एग्जांपल्स जो हम लोग देखेंगे तो उसके बाद हम लोग फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखेंगे, फिर थर्ड पार्ट, यानी कि तीनों आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां पे, जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, तो यहां पे इज आ गया। देखिए, बी जो है इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था। फिर देखिए, आई एम अ टीचर, तो एम आ गया। थर्ड में देखिए, दे आर फार्मर्स, तो आर आ गया। नेक्स्ट हमारा फोर वाला देखिए, शी वॉज अ गुड डांसर, वी वर गुड कुक्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इज एम आर वॉज वर, ये आपके चारों पांचों आ गए। तो इस तरह से ये आपका हो गया बी का क्लासिफिकेशन, ये हैव हो गया आपका। अब हम लोग यहां पे देख लेंगे डू वाला। ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे डू। अब डू को जब हम करेंगे तो तीन इसमें भी पार्ट्स होते हैं, तो तीन एग्जांपल्स यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब पहला देखिए एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, दस वाला देखते हैं। ही डज इट, मान लो ये अगर हमने लिख लिया तो ये आपका हो गया, या ही डज दिस वर्क। फिर अगला देखिए हो जाएगा, दे डू इट, दे डू इट रेगुलरली। अगला हो जाएगा डिड वाला, वी डिड नॉट वांट दिस बुक या दीज बुक्स कर लीजिए, दोज बुक्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए डिड आ गया, डू आ गया, डज आ गया, इस तरह से आपका बी का हो गया, हैव का हो गया, डू का हो गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारा है वो। अब कल हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।